कॉलेज आती जाती हैं तो बाहर रेड़ियां हैं, ऑटो वाले खड़े रहते हैं, तो इनके डिमांड है कि ये रेड़ियां हटवाई जाएं और जो ऑटो वाले हैं उनको वहां से हटाया जाए। समस्याएं तो उसमें ये आती हैं, जैसे लड़की आती हैं वहां खड़े हो गए लड़के, जैसे कोई लड़की क्रॉस करती है कोई ना कोई बात बोल देते हैं, फक्ती कस देते हैं, तो उससे फिर लड़की का आना जाना वहां से मुश्किल हो जाता है। तो वो बार बार मेरे पास भी आती हैं, शिकायत भी करती हैं। हरियाणा हाई कोर्ट में लिखा है रजिस्ट्रार के नाम, और एक जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम भी भेजा है। जैसा कि हमें जानकारी हुई है कि नेशनल कॉलेज की लड़कियों ने हाई कोर्ट में एक चिट्ठी डाली है जिसमें ईव टीजिंग की प्रॉब्लम को बताया है उन्होंने। वो रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले, वो खड़े हो जाते हैं, उनके साथ लड़के खड़े हो जाते हैं और भीड़ इकट्ठी होके, और लड़कियों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं देखने आई हूँ कि, और प्रिंसिपल मैडम से मिली हूँ, इनकी जो भी शिकायत हम दूर करेंगे, और फौरन कार्रवाई के लिए मैं यहाँ खुद पहुँची हूँ। आज मैं नेशनल कॉलेज के बच्चों को एड्रेस भी कर रही हूँ इस बारे में। अगर कोई भी समस्या है तो महिला पुलिस पीसीआर जो हमारी काम कर रही है उनको फौरन इत्तला करें, और मेरा फ़ोन भी 24 घंटे ऑन रहता है, मुझे भी इत्तला कर सकते हैं, मैं फौरन उनको रिड्रेसल होगा उनकी ग्रीवेंसीज का। ये मेरा जो है ना आपसे प्रॉमिस है। तो क्या है इनके लिए हेल्पलाइन बनाएगी? बिल्कुल, पुलिस हेल्पलाइन है 1091 जिसपे कोई भी लेडी इत्तला कर सकती है अगर कोई एट्रोसिटी होती है उसके ऊपर या छेड़छाड़ होती है, कहीं भी कोई टीजिंग की प्रॉब्लम आती है। तो हमारे यहाँ वाइट बॉक्सेस लगा दिए गए हैं सभी थानों में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में, वो हर रोज खोला जाता है, उसमें जिसकी भी जो भी समस्या होती है नाम गुप्त रख के उसका रिड्रेसल किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि समाज को भी इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा। हम अपने घर परिवार में अपने बच्चों को समझाएं कि इस तरह की ईव टीजिंग जो है ये ना करें किसी के साथ भी, क्योंकि एक्चुअल जो है वो मेरा मानना ये है कि अगर माँ बाप अच्छी तरह से समझाएंगे तो बच्चे जरूर मानेंगे। कानून का डर जहाँ तक है वो हम उसको बराबर बना कर रखेंगे।